दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्नैपचैट में फ्रेंड को अनफ्रेंड कैसे करते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को दोस्त बना लिया है, फ्रेंड बना लिया है और अब आप उसे अनफ्रेंड करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपने उन लोगों को फ्रेंड बना लिया है जिसे आप बनाना नहीं चाहते हैं तो उन लोगों को आप अनफ्रेंड करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं अनफ्रेंड करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है अनफ्रेंड करना सिखाएंगे। आपको पहले तो स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी रिसेंट में आपने चैटिंग किया होगा वो सारा फ्रेंड आपको शो करेगा, तो आप यहाँ से अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप टोटल फ्रेंड लिस्ट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ एक अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको शो करेगा माय फ्रेंड्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपकी मेरे पास दो ही फ्रेंड है यहाँ पे, तो यहाँ से आप जो है दोस्तों उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक फ्रेंड को अनफ्रेंड करके दिखाता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है जिसे आप अनफ्रेंड करना चाहते हैं, फिर से इसके प्रोफाइल पर क्लिक करके और प्रोफाइल खोल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको मैनेज फ्रेंडशिप का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा रिमूव फ्रेंड का ऑप्शन, रिमूव फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों ये जो है फ्रेंड आपका रिमूव हो जाएगा आपके लिस्ट से। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे फिर से फ्रेंड बनाना चाहते तो इसे फिर से इन्वाइट करना पड़ेगा, फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा तभी आपका ये फ्रेंड बनेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं अनफ्रेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों फ्रेंड को अनफ्रेंड कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।